नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल यानी कि तेज, यानी कि ताकत, यानी कि शूरवीर, यानी कि जवान ग्रह, इसको मंगल बोलते हैं। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि इसकी शत्रु राशि है। कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो है बुध। सुबह 3:22 पर लगभग कन्या राशि में प्रवेश होगा बलशाली मंगल का। और मंगल जब कन्या राशि में जाएंगे तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंगल का गोचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाला होता है हर व्यक्ति पर, हर राशि पर। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। जिनके पास कुंडली नहीं है वो अपनी नाम राशि से भी देखकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंगल आक्रामक है, मंगल सूर्य के मित्र हैं, मंगल देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल का क्या प्रभाव होगा आपकी राशि के ऊपर, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। आप सभी लोग, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़कर अच्छी जानकारी और सही जानकारी वक्त वक्त पर प्राप्त करते रहें। शुभारंभ करते हैं वृषभ राशि का। ध्यान से देखिए गोचर कुंडली, मंगल जो है पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव जहां पर 6 लिखा हुआ है। और मंगल आपकी राशि के लिए 12वें और सप्तम भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव जहां पर 1 लिखा हुआ है और सप्तम भाव जहां पर क्या लिखा हुआ है, 8। 8 यानी कि वैवाहिक सुख, पारिवारिक सुख, व्यापार का घर होता है। तो यहां पर मंगल कई बार पति पत्नी के बीच में लड़ाई करा देते हैं। 12वां भाव में मंगल का बैठना थोड़े खर्चों को बढ़ाता है, लेकिन विदेश से लाभ दिला देता है। थोड़े से शारीरिक कष्ट भी बढ़ सकते हैं, यानी खर्चे बढ़ सकते हैं। अब पंचम भाव में जब मंगल बैठेंगे, पंचम भाव क्या है, प्रेम का भाव है, सुख का भाव है, बच्चों का भाव है। तो अब क्या परिणाम आपको मिलेगा, मंगल 12वें और सप्तम भाव के स्वामी हो गए, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के संबंध पर आपको नजर डालने की जरूरत होगी। यहां पर थोड़ा अलर्ट रहना होगा। मंगल आपको ताकत और ऊर्जा तो देंगे, लेकिन आपके अंदर आलस को भी भगा देंगे। ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी, तो आलस भाग जाएगा। अगर आप अपने जीवन साथी या लव मेट, यानी अगर आप किसी के साथ प्यार में बंधे हुए हैं, तो दिल खोलकर बात करिएगा। किसी भी बात को छुपाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस वक्त सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कांच की तरीके से पारदर्शी। जो भी बात हो वो एक दूसरे को पता हो, एक दूसरे से छिप छिपा कर कोई भी काम ना करें, वैवाहिक जीवन में भी और प्यार के रिश्तों में भी, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको मंगल आत्मविश्वास से भर देंगे, आप जोखिम लेने से घबराएंगे नहीं। नौकरी में आपके बॉस का आपके ऊपर सपोर्ट होगा, आप बॉस के साथ बैठ कर मिलजुल कर काम करेंगे, अच्छी योजनाएँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले इंसान होंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि कई बार मंगल यहाँ पर बॉस या कहें आपके साथ जो काम करने वाले और लोग हैं उनसे टकराव भी करा देते हैं। यानी कि एक ऑफिस में मान लीजिए एक आपका सीनियर मैनेजर है और एक जूनियर मैनेजर है, तो आपकी बड़े बॉस से बन जाएगी, लेकिन उसके जो नीचे वाला है उससे शायद ना बने। तो ऐसे में टकराव हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने ऊपर वाले जो भी एक दो बॉस है सबको खुश रख के चलना होगा, तभी नौकरी में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बाकी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा होगा। आपके मन में रिश्तों के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या यहाँ पर जाग सकती है। आप किसी के काम को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं, उसकी धन दौलत को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं, उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं। रिश्तों के प्रति ईर्ष्या जाग सकती है कि मेरे साथ में जो है वो इतना खूबसूरत नहीं है, उसके साथ में वो व्यक्ति इतना खूबसूरत क्यों है। ऐसी आपके मन में हीन भावना भी आ सकती है और ईर्ष्या में इंसान कई बार गलतियां कर बैठता है। आप शोबाजी, दिखावे की दुनिया को पसंद करेंगे,
यानी कि जो नहीं है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे, उसमें व्यर्थ का पैसा व्यर्थ का वक्त खराब करेंगे। तो दुनिया को दिखाने की कोशिश आप करेंगे कि मैं भी बहुत अमीर हूँ, मेरा भी रुतबा है, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर मंगल दे देंगे। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको शेयर मार्केट सट्टे इत्यादि से दूर रहना चाहिए। आप बेवजह स्त्री का अपमान ना करें, किसी स्त्री पर अपना अधिकार ना जमाएं। अब वो स्त्री घर की हो, आपके ऑफिस में काम करती हो, घर में काम करने वाली नौकरानी ही क्यों ना हो, या फिर पास पड़ोस के लोग क्यों ना हो, तो आपको बेवजह किसी स्त्री को सताना नहीं है और उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना है। आपके साथ रहने वाले लोग जो भी आपके घर में हैं या ऑफिस में हैं, जो लोग काम करते हैं, वो आपकी पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़े से यहाँ पर बड़े नकारात्मक विचार आपके अंदर आ सकते हैं। मंगल आपको क्रोधित कर सकते हैं, मंगल आपको उनके प्रति ईर्ष्या आपके मन में आ सकती है, जिसकी वजह से आप कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो लोग आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे। आप में क्रोध भी रहेगा, स्वभाव भी चिड़चिड़ा होगा, प्रेमी प्रेमिका के बीच में तनाव संभव है। अगर आप गलती करते हैं लेकिन गलती करने के बाद भी कोई आपको सुधारने की कोशिश करेगा तो आप किसी की बात को सुनेंगे नहीं, जो कि आपको बदनामी के रास्ते पर ले जाएगा। आप अनादर पाएंगे, आपकी हरकतों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, आपकी इज्जत जो है वो बेइज्जत हो सकती है, यानी कि आपकी हरकतें मंगल खराब कर देंगे। आपको संतान से लाभ होगा। इस समय अंतराल में पुत्र का जन्म अगर होता है तो आपका भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, भाग्योदय हो जाएगा। विपरीत लिंग के प्रति, या ध्यान से सुनिएगा, विपरीत लिंग के प्रति गलत रिश्ता रखना, गलत बातें करना, गलत उनसे कोई अटैचमेंट रखना आपके लिए दुर्भाग्य के दरवाजे खोल देगा। तो यहाँ पर अगर आप अपने जीवन साथी या अपने लव मेट को धोखा देकर किसी गलत रिश्ते में जाते हैं विपरीत लिंग की तरफ, तो आपको नुकसान जरूर होगा और हो सकता है आपकी रातों की नींद खराब हो जाए। जो पहले से अमीर हैं वो और अमीर होते चले जाएंगे, जो लोग अमीर नहीं हैं उन्हें अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जिनके पास पैसा पहले से है उनके पास पैसा और तेज़ी से आएगा, बाकी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी संतान की तरक्की होगी लेकिन उनका व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, खासकर अगर आपके बेटा है, आपके घर आपका बेटा है, तो उससे बातचीत करते वक्त आपको विनम्र रहना होगा। यानी पिता पुत्र की जो बातचीत है उसमें आपको थोड़ा विनम्र और धैर्य से अपने बेटे से बात करनी है, बेटे को भी अपने पिता से धैर्य से बात करनी है, पिता को भी बेटे से धैर्य से बात करनी है, अन्यथा दोनों के बीच में कोई तल्खियाँ लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है। आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा, आपको अपने ऊपर से अतिरिक्त बोझ को हटाना होगा। आपको तरक्की पानी है तो पाइए तरक्की, मेहनत करिए, दूसरे से जलिए नहीं। आपकी तरक्की से कुछ लोग जल भी सकते हैं, आपके शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें, बाहरी तला भुना भोजन बिल्कुल ना करें। वक्त के साथ पैसा आपके पास आता चला जाएगा, जैसे जैसे एक एक दिन बीतेगा आप अमीर होते चले जाएंगे। घुटनों में दर्द हो सकता है, आपको वाद विवाद लड़ाई झगड़ों से बचना होगा। निराशा भरा जीवन आपको नहीं जीना है, धैर्य से जीवन जीना है। निराशा और बुरे ख्यालों को अपने जीवन में कोई स्थान ना दें और क्रोध से बचें, गलत फहमियों से बचें, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है। किसी की कही सुनी बातों पे आकर कोई निर्णय नहीं ले लेना है, किसी की कही सुनी बातों पे आकर किसी को दोषी या किसी को विजयी नहीं बना देना है, या किसी को किसी की बात सुनी तो आपने किसी को दोषी ठहरा दिया और किसी की बात सुनकर किसी को आपने बाइज्जत बरी कर दिया। जब तक जांच ना लें, परख ना लें, तब तक कोई फैसला ना लें, अन्यथा परेशानी होगी। आपको अगर ये वक्त अच्छा बिताना है तो आप रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे एक गिलास में पानी रखकर सोएं और सुबह पीपल या किसी भी पौधे में डाल दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। खास करके फिर मैं कहना चाहूँगा, आपको अपने चरित्र का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाएं भी थोड़ा ध्यान जरूर रखें अपना, खासकर जिनका गर्भ 2-3 महीने का है। तो इस प्रकार से मंगल वृषभ राशि वालों को प्रभाव देंगे। तो हर एक चीज मैंने आपको बता दी।
बाकी बची बात बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, तो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा स्कूल कॉलेज मिलेगा, नंबर अच्छे आएंगे। हाँ, पारिवारिक चिंताएं और जुबान की बदजुबानी कई बार बच्चों को भी पीछे ले जा सकती है उनके लक्ष्य से। एक बात का यहाँ पर और भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी बच्चे का एडमिशन किसी बड़े स्कूल कॉलेज में हो गया और आपके बच्चे का नहीं हुआ है, तो जलना जलन ईर्ष्या ये मत करिएगा, जो मिला है उस पर संतोष करिएगा, धैर्य करिएगा और सफलता के लिए और आगे प्रयास करते रहिएगा। आपके जीवन में मंगल, सुख, समृद्धि, खुशियां लेकर आए, इस मंगल कामना के साथ हरिओम, नमस्कार।